हेलो फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स टॉक पर आपके एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं शशांक। अपनी आईपीएल सीरीज के इस नए एपिसोड में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आज हम बात करने जा रहे हैं उस टीम के बारे में जो कि है डिफेंडिंग चैंपियन इस आईपीएल की। साथ ही साथ इस टीम ने जीते हैं सबसे ज्यादा आईपीएल खिताब यानी कि 4 बार। अब आप समझ ही गए होंगे कि हम किस टीम की बात कर रहे हैं। दरअसल आज का हमारा जो ये एपिसोड है वो आधारित है मुंबई इंडियंस के ऊपर। आज हम जानेंगे कि आखिरकार मुंबई इंडियंस की टीम में क्या वो क्वालिटी है कि वो डिफेंड कर सके अपने टाइटल को। 4 बार इस टीम ने जीते हैं और वो 4 बार कब कब जीते हैं ये ऑड नंबर्स के आंकड़े रहे हैं 2013, 2015, 2017 और 2019। अगर इन चारों सालों को देखें तो आप देखेंगे कि हर बार अल्टरनेट ईयर्स में इस टीम ने खिताब अपने नाम किए हैं और उस लिहाज से 2020 का जो ये साल है ये आईपीएल के लिहाज से मुंबई इंडियंस के लिए ठीक नहीं है। ये मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन आंकड़े यही कहते हैं। साथ ही साथ एक और आंकड़ा जो है वो डराने वाला है और वो आंकड़ा ये है कि आप सबको याद होगा 2014 में इससे पहले जब आईपीएल का जो फर्स्ट हाफ था वो यूएई में खेला गया था, वहां पर 5 मुकाबले मुंबई ने खेले थे और 5ों ही मुकाबले मुंबई ने गंवाए थे। तो ये कहीं ना कहीं यूएई जो एक वेन्यू है वहां पर, अबू धाबी की बात करें, दुबई की बात कर लें या शारजा की बात करें, वहां प्रदर्शन जो है मुंबई का सही नहीं है। लेकिन क्या इस बार उम्मीद हम ये करें कि कुछ पासा पलटेगा, यूएई में जो पिछला रिकॉर्ड था मुंबई इंडियंस का उसको सुधार वहां पर देखने को मिलेगा? क्या रोहित शर्मा की अगुवाई में जो ये टीम है वो बेहतर प्रदर्शन कर पाएगी? इन सब पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आज बात कर लें कि आखिरकार स्क्वाड क्या है मुंबई इंडियंस का और जो टोटल खिलाड़ी उनकी टीम में है उनमें से किन किन खिलाड़ियों पर नजरें जो है वो टिकी रहेंगी इस आईपीएल में। और रोहित शर्मा जो कि बतौर सलामी बल्लेबाज भारतीय टीम के लिए खेलते हैं और अपनी टीम में यानी कि मुंबई इंडियंस की टीम में बतौर कप्तान वो कई बार ओपनिंग की भूमिका भी निभा चुके हैं, मिडल ऑर्डर में भी आए हैं, लेकिन प्रदर्शन जिस लिहाज का होना चाहिए वो नहीं रहा है रोहित शर्मा का। तो सबसे पहले हम अगर नजर दौड़ाएं कि आखिरकार स्क्वाड क्या क्या रहा है उसमें, आप देखिए सबसे बेहतरीन जो लाइनअप है अगर इनके पास पूरी टीम आप देखेंगे 24 खिलाड़ी इनके कैंप में हैं और ये 24 खिलाड़ी कहीं से भी आप ये नहीं कह सकते कि ये खिलाड़ी जो है वो किसी से कमतर हैं। हर खिलाड़ी अपने आप को अपने रोल में फिट बैठाता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले बात बैटिंग की कर लेते हैं। बैटिंग में अगर इनके पास देखेंगे कप्तान रोहित शर्मा वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है, हिटमैन सूर्य कुमार यादव, आप सबको याद होगा कोलकाता से चला हुआ जो सफर था इनका मुंबई में आया और वो निखरता चला गया। क्रिस लिंग ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर हैं और क्या गजब की बैटिंग, इससे पहले वो भी केकेआर से जुड़े रहे हैं और शानदार बैटिंग करते रहे हैं, इस सीजन में वो खेलने वाले मुंबई की तरफ से। क्विंटन डीकॉक की बात कर लीजिए, एक और अफ्रीकन विकेट कीपर, शानदार सलामी बल्लेबाज। उसके अलावा आप देखिए ईशान किशन, अनमोल प्रीत सिंह, आदित्य तरे, सौरभ तिवारी। अनमोल प्रीत सिंह और आदित्य तरे की अगर बात कर लें, आदित्य तरे जो है वो पहले एडिशन से 2008 का जब ये आईपीएल लॉन्च हुआ था जब जयसूर्या तेंदुलकर वगैरह खेला करते थे उस समय से आदित्य तरे जो है टीम में है, लेकिन ईशान किशन ने कहीं ना कहीं उस जगह को कब्जा कर लिया है। अब इनके ओपनर्स की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले ओपनर्स की बात करें, रोहित शर्मा खुद को बतौर ओपनर साबित कर सकते हैं, बतौर ओपनर वो पावर प्ले में यूज कर सकते हैं। उनके साथ कौन आएगा, यहां पर 2 खिलाड़ी हैं जो कि ओपन कर सकते हैं और दोनों ही खिलाड़ी जो है वो फॉरेनर हैं, तो आप किसके साथ जाना चाहेंगे? क्रिस लिंग शानदार हीटर हैं, कहीं कोई उसमें दो राय नहीं है, लेकिन क्विंटन डीकॉक की आप बात कर लीजिए, एक ऐसा खिलाड़ी जो क्लास भी है, जो हर तरीके की शॉट्स भी खेल सकता है। और आपको बताऊं पिछले सीजन में 2019 में भारतीय सरजमी पर क्विंटन डीकॉक का रिकॉर्ड काफी शानदार रहा। उन्होंने अपने खेले मुकाबलों में, सिर्फ पावर प्ले की बात कर रहा हूं जो 6 ओवर का होता है, 315 रन बनाए थे पिछले सीजन में सिर्फ पावर प्ले के दौरान। ये दिखाता है कि डीकॉक पर एक भरोसा आप जता सकते हैं, लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन भी हो जाता है और साथ ही साथ आपके पास जो है वो एक बतौर अस्थाई जो शुरुआत देने की बात होती है, एक स्थिर शुरुआत की बात होती है, वो डीकॉक दे सकते हैं। विकेट कीपिंग के लिए आपके पास ईशान किशन है, वो खेलेंगे भी। और ये हो गई ओपनर, तो मेरा प्रेडिक्शन ये है कि ओपनर के तौर पर रोहित शर्मा दाएं हाथ के और बाएं हाथ से क्विंटन डीकॉक होंगे। उसके बाद आपके पास नंबर 3 के लिए अगर आप देखेंगे तो आप ईशान किशन को भी यूज कर सकते हैं, सूर्य कुमार यादव को भी यूज कर सकते हैं। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं सूर्य कुमार यादव को लेकर के क्योंकि आने वाले समय में अगर आप देखें तो जो बाद का जो बैटिंग ऑर्डर है मुंबई का वो काफी मजबूत है। तो नंबर 3 पे आपके हो गए ईशान किशन या सूर्य कुमार यादव। उसके बाद नंबर 4 की बात आ जाती है,
इनके पास तीन ऐसे ऑलराउंडर हैं जो कि स्क्वाड में खेलेंगे ही खेलेंगे। बहुत कम ऐसी टीमें आपको देखने को मिलेंगी जहां पर कि आपको तीन ऑलराउंडर खेलेंगे और तीनों इफेक्टिव होंगे। और ये आप देखें तो अभी सीपीएल टी20 में किस तरीके से कप्तानी भी कर रहे हैं अपनी टीम की, पुलार्ड और शानदार खेलते रहे हैं। पुलार्ड हमेशा से एक की फैक्टर रहे हैं मुंबई इंडियंस की टीम के लिए जब से वो इस टीम से खेल रहे हैं। तो पुलार्ड हो गए और पांड्या ब्रदर्स यानी कि हार्दिक पांड्या और कृणाल पांड्या, ये दोनों। तो अब अगर देखें आप टॉप में तो दो आपके ओपनर्स हो गए, नंबर तीन पर आप ईशान किशन को लेकर के आ गए, नंबर चार पांच और छह ये जो स्लॉट है, नंबर चार पर हार्दिक पांड्या, नंबर पांच पर आप पुलार्ड उठला सकते हैं, नंबर छह पर आपके पास कृणाल पांड्या मौजूद हैं, सूर्य कुमार यादव नंबर सात पर बैटिंग कर सकते हैं, या अगर आप चाहते हैं कि नंबर तीन पर वो बैटिंग करें तो वो बैटिंग कर सकते हैं। यानी कि जो ऑलराउंडर और बैट्समैन है वो मिल करके जो टॉप ऑर्डर और मिडल ऑर्डर की जो बैटिंग है उसको बहुत ही परफेक्ट बना रहे हैं। तो इस लिहाज से ये काफी बेहतरीन संयोजन जो है वो हो सकता है आईपीएल के लिए। और 2020 का जो ये आईपीएल है यूएई में, यहां पर अपने पुराने आंकड़े जो है वो मुंबई इंडियंस की टीम सही करती हुई नजर आनी चाहिए और उनके पास वो मादा भी है। अब हम गेंदबाजी की बात कर लेते हैं। गेंदबाजी में इनके पास जो है एक तो स्पेयर हेड जो भारतीय टीम के हैं जसप्रीत बुमराह, वो अगुवाई करेंगे, कहीं दो राय नहीं है। स्पिनर में राहुल चाहर जो है वो दीपक चाहर के भाई वो रहेंगे। अब यहां पर जो है आपके पास पेस बैटरी में चार खिलाड़ी पेस बैटरी में इनके विदेशी हैं। अभी आपने कितना यूज किया, एक डिकॉक को आपने यूज कर लिया और ऑलराउंडर में एक पुलार्ड को आपने यूज किया। अभी भी दो ऑप्शन आपके पास हैं जो कि आप विदेशी खिलाड़ी ले सकते हैं। मुझे लगता है कि बुमराह के साथ साथ यहां पर नेथन कुल्टरनाइल और साथ ही साथ मिचेल मैकलेनगन के साथ ये जाएंगे। और ट्रेंट बोल्ट को अगर आप देखें, पिछले सीजन में आपको याद होगा उनकी फील्डिंग कितनी शानदार रही थी, तो अगर ट्रेंट बोल्ट या मैकलेनगन में से किसी एक को, कुल्टरनाइल के साथ ये फायदा आपको मिलता है कि नंबर सात नंबर आठ पर कुल्टरनाइल बैटिंग कर सकते हैं, ये एक फायदा मिलेगा। तो जो मुंबई इंडियंस की स्क्वाड है काफी सॉर्टेड है, काफी बेहतरीन नजर आ रही है और ये कागज पर सबसे शानदार टीम नजर आ रही है। बाकी टीमों की बात करें उनमें काफी परफेक्ट ये टीम नजर आ रही है और मुझे लगता है कि इसी टीम के साथ जो है मुंबई इंडियंस की टीम खेलेगी इस पूरे सीरीज के दौरान, पूरे आईपीएल के दौरान। अब यहां पर बात ये निकल के आता है कि आपके पास जो है जो आपका कप्तान है जो कि आपको राह दिखाता है उसका प्रदर्शन कैसा रहा है। अगर हम देखें तो बतौर कप्तान रोहित शर्मा का जो कंट्रीब्यूशन रहा है वो पिछले तीन सालों में बेहतर नहीं रहा है। यानी कि रोहित शर्मा का 2017, 18 और 19, यानी कि 17 में भी ट्रॉफी मुंबई ने जीता, 19 में भी जीता, लेकिन 18 में भले वो पांचवें स्थान पर रहे लेकिन इन तीन सालों में रोहित शर्मा का व्यक्तिगत प्रदर्शन जो था वो सही नहीं रहा है। अब कैसे, 45 मुकाबले इन तीन सालों में रोहित शर्मा ने खेले हैं, 1000 रन है, 25 के आसपास का औसत है, स्ट्राइक रेट 128 का है जो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत और ऊपर हायर साइड हो सकता था रोहित शर्मा की बैटिंग को लेकर के, लेकिन उनकी कंसिस्टेंसी चूंकि नहीं रही इसलिए स्ट्राइक रेट भी आपको कम नजर आ रहा है। 7 अर्धशतक हैं और हाईएस्ट जो था वो 94 था। तो मुझे लगता है कि जो रोहित शर्मा की बल्लेबाजी अभी तक रही है उसको थोड़ा वो दुरुस्त करना चाहेंगे। आंकड़े मुंबई इंडियंस के काफी शानदार हैं, काफी लंबे अरसे से कैप्टेंसी कर रहे हैं और रोहित शर्मा हम सब जानते हैं कि वो अच्छे कैप्टन जो है मटेरियल हैं टीम के लिए। तो एक तो ये बात हो गई, उसके अलावा सूर्य कुमार यादव जो कि काफी शानदार प्लेयर हैं और वो काफी बेहतर साबित हो सकते हैं अगर उनकी हम प्रदर्शन पर गौर करें कि सूर्य कुमार यादव जो है वो क्या और किस तरीके से प्रदर्शन उन्होंने पिछले दो एडिशन में किया है मुंबई के लिए। आप सबको याद हो सूर्य कुमार यादव, उनके साथ एक प्लस पॉइंट है मुंबई इंडियंस को, वो क्या फायदा होता है कि उनको आप लोअर डाउन द ऑर्डर के लिए बैटिंग कराएंगे वहां भी आप शॉट लगा के दिखा सकते हैं। आपको वो एक बार ओपन भी इससे पहले कर चुके हैं मुंबई के लिए और नंबर तीन नंबर चार जहां भी आप उनको फिक्स करेंगे वहां जाकर के आपके लिए रन बना करके देंगे। 2018 में 14 मुकाबले 512 रन उनके रहे थे, 4 अर्धशतक बनाए थे लेकिन स्ट्राइक रेट भी 135 के आसपास की थी। 2019 में 16 मैचेस 424 रन, 130 के ऊपर की स्ट्राइक रेट, 2 अर्धशतक, यानी कि दिखाता है कि सूर्य कुमार यादव जो है एक कैपेबल प्लेयर हैं और वो निश्चित रूप से मुंबई इंडियंस को फायदा देंगे। अब ये तो बात हो गई पूरी बैटिंग की, आपकी क्या क्या होगा, ऑलराउंडर्स की बात हो गई और अब हम जब आ जाते हैं आपको गेंदबाजी में तो एक आंकड़ा आप देखिए कि मलिंगा इस बार नहीं खेल रहे हैं। हालांकि आप कहेंगे कि मलिंगा की उम्र जो है वो अब उनके साथ नहीं है, वो फॉर्म भी नहीं रहा, लेकिन ये भी हकीकत है
कि इससे पहले मलिंगा ने जितने सीजन नहीं खेले हैं वहां पर मुंबई इंडियंस की टीम जो है वो पांचवें नंबर पर रही है। चाहे 2008 का सीजन आप देख लें, 2016 और 2018, इन तीनों सीजन में मलिंगा जो है नहीं रहे हैं और उसकी वजह से टीम जो है वो पांचवें नंबर पर फिनिश करते हुए नजर आई, क्योंकि मलिंगा स्पेयर हेड थे और उनकी ही निगरानी में बुमराह जो एक अच्छे गेंदबाज बनते हुए निकल भी रहे थे मुंबई के लिए और बाद में भारतीय टीम के लिए भी। तो मलिंगा इस साल नहीं है, भले उनकी कमी ना खल रही हो, लेकिन जो रिप्लेसमेंट है उनके साथ जेम्स पैटिंसन, काफी लंबे अरसे से जेम्स पैटिंसन ऑस्ट्रेलियाई टीम के साथ नहीं नजर आए हैं। उनको एक 2012-13 के बाद जो मुझे याद आता है उस समय अपने पीक पर थे वो, लेकिन उसके बाद उनका करियर ग्राफ अगर देखेंगे तो उतना सही मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो मुझे लगता है कि मुंबई की टीम जो है काफी परफेक्ट नजर आ रही है। ईशान किशन को आप कहां खिला रहे हैं ये भी देखना होगा, तो ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव में से आप किसको कहां पर एडजस्ट कर रहे हैं वो भी देखना होगा। आपके ओपनर्स कौन होते हैं, क्या आप अपने ओपनर्स के साथ समझौता करके क्या क्रिस लिन को भी खिलाएंगे, अगर क्रिस लिन को भी खिलाएंगे तो कोई एक और विदेशी खिलाड़ी कौन बाहर बैठेगा, क्या आप इंडियन बॉलर्स के साथ जाएंगे, तो वो ऑप्शन आपके पास है नहीं। तो मुंबई इंडियंस की टीम को देखकर के ये मुझे लग रहा है कि मुंबई इंडियंस की टीम बाकी जो अन्य 7 टीमें हैं उनमें से अगर आप कंपेयर करेंगे तो कंपेरेटिवली, और जो उनका पास्ट रिकॉर्ड रहा है, वैसे तो आरसीबी को भी हमने देखा है कि उनकी जो टीम के प्लेयर्स हैं और कागजों पर जो उनकी टीम रही काफी शानदार रही, लेकिन अभी तक एक भी सीजन में वो जीत नहीं पाए हैं। तो और मुंबई इंडियंस की टीम जो है वो 4 बार जीत चुकी है, तो मुझे लगता है कि यहाँ मौका है मुंबई इंडियंस के पास कि वो अपने स्क्वाड को लेकर के खेलें और यूएई का जो पुराना रिकॉर्ड था उसको सही कर दें। और मुझे लगता है कि मुंबई इंडियंस की टीम जो है पांचवें खिताब की ओर जरूर देखेगी और कम से कम इस बार डिफेंड करने की कोशिश करेगी, क्योंकि 13 के बाद 14 में नहीं हुआ, 15 के बाद फिर 16 में नहीं हुआ, 17 के बाद फिर 18 नहीं कर पाए और अब 19 के बाद क्या 20 कर पाएंगे ये देखना होगा। बड़ा यक्ष प्रश्न है ये और हम सब इंतजार इसी बात करेंगे कि आखिरकार क्या होता है। और आप तमाम ऐसे फैंस जो कि ड्रीम इलेवन खेलते हैं, ऐसे फैंस जो कि टीम प्रिडिक्ट करके अपने खिलाड़ियों को चुनते हैं, वो सभी हमारे साथ आईपीएल के दौरान जुड़ना ना भूलें। स्पोर्ट्स टॉक पर हम प्रीव्यू लेकर के आएंगे, पोस्ट मैच शो लेकर के आएंगे और आखिरकार अगले दिन के मुकाबले के लिए कौन कौन सी खिलाड़ी आपकी टीम में होने चाहिए, इन सब पर हम चर्चा करेंगे और आपको सजेस्ट करेंगे कि आखिरकार वो कौन सा खिलाड़ी आपकी टीम में हो जिससे कि आप अपने ओपोनेंट को हरा सकते हैं और आप बन सकते हैं लकी विनर। तो उसको लेकर के आप स्पोर्ट्स टॉक पर जुड़ना ना भूलिएगा, हमारे साथ पूरे आईपीएल के दौरान आप जुड़ सकते हैं। अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं, अगर आप अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको अपने दोस्तों के साथ या दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। उम्मीद करता हूं आपको हमारा यह एपिसोड पसंद आया होगा और एक बार फिर से जाने से पहले बता दूं कि हम ये खास सीरीज लेकर के आ रहे हैं, हर टीम के बारे में हम एनालाइज करेंगे कि आखिरकार आईपीएल से पहले कि आईपीएल में के दौरान उनकी उम्मीद क्या है, उनकी टीम का प्रदर्शन कैसा रहने वाला है, उस पर चर्चा हम करेंगे। अभी तक हमने राजस्थान की बात कर ली है, चेन्नई की बात हमने कर ली है और आज हमने बात कर ली है मुंबई की। तो अब कल जो है जिस टीम की हम बात करेंगे वो टीम होगी सनराइजर्स हैदराबाद की। हमारे साथ जुड़ना ना भूलिएगा। फिलहाल मुझे यानी शशांक को दीजिए इजाजत, नमस्कार।